ये लें जी, ये हम हाउसवाइफ्स के काम जो हम करती हैं। देखा कैसा अंबार लगा है, बच्चे गए हैं स्कूल तो। ओ माय गॉश, समझ नहीं आता हाउ टू क्लीन। चलें देखेंगे मैं बाद में क्या करती हूँ। लेकिन जब बाहर इतना अच्छा मौसम हो, क्या दिल करेगा काम करने के लिए? कैसे ये बोल रहा है पाला सा कक्कू। बट बीबी, तेरे काम तुमने खुद ही करने हैं, किसी ने नहीं करने। चल तय लगा बिस्तरों को और उठा सारी चीज़। फिर से सर झाड़ मुंह फाड़ बैठ गई हूँ, दिल नहीं करा काम करने को। जुकाम है, बुखार है, तबीयत बड़ी ख़राब है। अब यहाँ मेरी माँ तो है नहीं कि जो काम कर दे। असल में ना, हम औरतों के ना एक्सपेक्टेशंस बहुत अजीब अजीब सी होती हैं। पता नहीं आज मेरा पहला व्लॉग है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। ये सारा कबाड़ कूड़ा और ये मेरा एक दुखता हुआ पाँव जिसमें कि शदीद दर्द है कल से, और ये सारा कचरा आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। शुरू की सफाई करनी बट अनेबल टू डू। चलें गाइस, देखते हैं कि मैं आज क्या करती हूँ। कल चूँकि पहला रोज़ा भी है, अल्लाह ताला खैर फरमाए, रमज़ान की आमद आमद है। तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके आपको मेरा पहला व्लॉग कैसा लगा है। छोटा सा व्लॉग है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भरमार डाल दें। अब मैं कोई डकी भाई तो हूँ नहीं कि जिसकी खूबसूरत सी बीवी, और ना ही मैं इस एस्ट्रोलॉजी में से हूँ कि जिनके पास बहुत ज़्यादा लशन टशन पशन है। हम तो भी सादा से बंदे हैं, घर में रहने वाले, घर का काम करने वाले। मुझे अपने घर में जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है वो है एक अदद आयत, जो कि सूरह सुलेमान की है, जो कि मैंने यहाँ लिखवा रखी है। काला रब्बि फिरली वहाबली मुल्कन अला यम्बगी अलादी मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। ये मतलब, ये इतनी क्लोज मेरे मेरे हार्ट है ना, कि जब मैं सो के अपने इस बेड से करवट लेती हूँ या उठती हूँ, तो मेरी नज़र जब इस आयत पे जाती है ना, तो मैं दुआ करती हूँ। मुझे तमाम अम्बिया पेकीने बहुत पसंद है, लेकिन दो अम्बिया जिनका दौर मैं देखना चाहती हूँ ना, बशमूल अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़माना देखना है। मतलब जब क़यामत का दौर आएगा, सबकी फिल्में चलनी है ना, तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उसमें ख़ास मेरे अक़ल को हिलाया जाए और मुझे कहा जाए कि देख, ये वो ज़माना चल रहा है अब जिसको तुम देखने की जस्तजू थी, तुम्हारे दिल में चाहत थी। और एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला, हमारे प्यारे नबी की तो शान ही क्या अलग है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला रमज़ान में सबको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, ताकि सब रोज़े रख सके। और मेरी स्टेयर्स पे पड़े हैं बहुत ज़्यादा सारे शूज़, कंधे पंधे सारे बच्चों के, स्पोर्ट्स डे वाले, टेक्वांडो डे वाले, मुख्तलिफ शूज़ पड़े हुए हैं। आप इनको सफाई करनी है, इनको समेटना। मैं अब आज डे के एंड पे बनाऊंगी एक और व्लॉग, जिसमें मैं पूरा घर नीट क्लीन करके आपको दिखाऊंगी। होम टूर भी करवाऊंगी बट थोड़े दिनों बाद। अब थोड़ा मुझे सपोर्ट तो करें पहले। टाटा बाय बाय, इसी उम्मीद के साथ कि मैं अपना घर साफ कर लूँ। ये है मेरा एक अदद कुकिंग रेंज, मैं इसको कर रही हूँ साफ़, क्योंकि कल है पहला रोज़ा, तो सोचा सारी प्रेप्स कर लूँ। उस दिन गई थी तो बहुत ज़्यादा सारे घर में गेस्ट थे, तो बस वो जितनी कुकिंग हुई सारा ऐसे फेंक फांक के हम लोग चले गए थे। ठीक है, तो मुझे ना वैसे तो सफाई करना पसंद। वैसे इस तरह के चूल्हे आप लोग कैसे साफ़ करते हैं? मैं तो इसको ऐसे हल्का सा ही अब मतलब कि लेमन मैक्स वाला साबुन लगा के छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कुछ इसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूंगी। ये मेरा कुकिंग कुछ ऐसा नहीं, बेचारा ख़राब हो गया अब काफ़ी, मैंने 8 साल तो हो गए इसको इस्तेमाल होते हुए। अब इसको सफाई करने के बाद मैं इसकी लुक आपको दिखाऊंगी। कमरा भी कुछ समेट लिया यूं करके, अब ना मैं बर्तन धोने के बाद, वो चूल्हा साफ़ करने के बाद यहाँ से लगाऊंगी थोड़ा सा पोचा। मैं तो ना फरनाइल डाल के, नमक डाल के, थोड़ा सा ना सिरका डाल के कमरे में फर्श पे पोछा लगाती होती हूँ। इससे अच्छी सफाई हो जाती है, खुशबू बड़ी अच्छी आती है रूम में से, महकती महकती सी। इसको ना साफ़ करना इतना भी आसान नहीं है, ये बड़े ख़राब किस्म का चूल्हा है। इसको साफ़ करते हुए मेरी बस हो जाती है भाई। अब आई डोंट नो कि आप कैसे साफ़ करते हैं सारे। और इसकी चाय गिर गई थी, मेरा चूल्हा ना असल में नहीं, हीट बहुत पकड़ता है जल्दी, तो बड़ा ही गर्म हो जाता है, गंदा सा ख़राब सा हो। ये लें जिसके किनारे भी, इसके कुचले भी, इसकी हर चीज़। मुझे ना अभी ना ये इसको सेट नहीं करना आ रहा है, प्लीज़ गाइस बुरा ना बनेगा मेरी सफाई पे। आप लोग इसको करते हैं बंद, और ऐसे स्पॉन्ज लाती हूँ मैं करके, ऐसे देखती हूँ साफ़ होता ही जाता। यस, हो गया साफ, कुछ ना कुछ तो हो ही गया भाई। अब मैं आप लोगों जैसी कूचा बाची तो करने से रही, मेरे ना इसमें शोल्डर दर्द करने लग जाते हैं, इतनी ज़्यादा भी सफाई नहीं कर सकती मैं, बस उतनी सफाई करती हूँ जितनी मैं खुद बर्दाश्त कर लूँ। अच्छे से मांग रहे इसको मैं, जिस दिन जाना था मेहमान आए हुए थे, जल्दी में जो रगड़ा है ना मैंने, इसको जो जलाया चूल्हे को, खूब जलाया मैंने। ओहो हो, प्लीज ख़राब नहीं हुआ आप सर। अभी इसके बाद मैंने ना जो मैं जो रमज़ान में या वैसे कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ ना,
मैं सरसों का तेल प्योर वाला यूज़ करती हूँ, तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको ना अभी ना इसके बाद मैंने उसी को पकाना है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप वो देखिएगा सारे कि हमारे तो बच्चे सबसे ज़्यादा मेहनत रखते हैं। अगर हमने अपने बच्चों की अपनी फैमिली की हेल्थ कंप्रोमाइज़ कर दी फिर कोई फ़ायदा नहीं है कूचे बातियाँ करने का, सारा दिन घर साफ करने का और कुचड़ कुचड़ के बच्चों को पढ़ाने का, सफाई। जब आप बच्चे की सेहत के नहीं ख्याल करें ना, सबसे बेसिक तो है ही भी अब ऑयल, ऑयल में अंडा पकना है, ऑयल में पकौड़े। खासकर रमज़ान आ गया है माशाल्लाह से, तो अब तो भी कुछ ज़्यादा ही हमें केयर करनी चाहिए। तो अभी मैं जल्दी भी है, अभी बस इतना सा करूँगी रात को, बाकी इसकी क्लीनिनेस करूँगी। अभी तो बस ये है कि एक बजने वाला है, ये दोपहर का व्लॉग है, तो बच्चे भी स्कूल से लेने में खुद जाती हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे रिक्शे पे ही आते हैं लेकिन रिक्शे वाला पहले आता है, मुझे लेता है, फिर मैं जाती हूँ, बच्चों को लेती हूँ, फिर मैं लेकर। तो मेरे कितने बच्चे हैं ये भी बताऊँगी अगले व्लॉग में, अभी कुछ नहीं बता रही, अभी तो बस सरप्राइज व्लॉग है। देखती हूँ आप लोगों की कैसी मोहब्बत रहती है और कैसा कैसी सपोर्ट रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी अच्छे से रिवील कर ही देंगे भाई। हम देखो उसको पर्दे में रह के तो कुछ करना है, देखती हूँ मैं कितनी बड़ी व्लॉगर बनती हूँ, सितारा यास्मीन बनती हूँ या फिर मैं कुछ और बनती हूँ। चलें जी देखेंगे। हाँ वैसे वैसे बड़े 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 पढ़े हैं नाम माशाल्लाह से, पर सारा यासमीन भी बहुत ही अच्छी एक खातून है। मैंने जब उनको फर्स्ट टाइम देखा था ना तो तब वो उनके हस्बैंड ने भी शादी नहीं की थी, हाँ उसके बाद उनके हस्बैंड ने शादी की थी। जो उनके हस्बैंड की शादी भी उनके लिए ना बहुत लकी साबित हुई है। ये ले जी वो बर्तन मांजने के बाद और सारा कुछ मांजने के बाद हाथों की हालत कुछ हो जाती है ऐसी। अब हम पकट करते हैं इसको कुकिंग ऑयल। चलें जी चूल्हा मेरा हो गया साफ, देखिए मैंने ऊपर रख दिया ऐसे धो के ना इसमें से, ताकि ना जो इसका वो वाटर है थोड़ा सुंदर लगा वो खुश्क हो जाए। इसके बाद मैं सरसों का तेल पकाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि सरसों का तेल जो है ना वो मैं खाने में कैसे इस्तेमाल करती हूँ, सालन में, अंडे में और वैसे भी नॉर्मल चूज़ जो मेरे घर में जो होता है ना सवाई, जैसे कि हलवा बनाना है या जैसे कि कोई मतलब कि ऐसी डिश जिसमें से थोड़ा सा मतलब प्रोमिनेंट ना हो खुशबू, बच्चे मतलब थोड़ा सा डिनाय करते हैं खाने को, तो उसमें मैं फिर ना कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ अच्छे वाला, वो भी जैतून का, जैसे कि एक ऑलिव ऑयल है एक और एक आता है। और जी वैसे तो कोशिश करते हैं हम लोग के जो ये जो बाइकार्ट है जिस प्रिंट प्रोडक्ट्स का वो मैं यूज़ ना करूँ, प्रॉपर कोशिश करती हूँ। तो उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, ये मेरा पहला व्लॉग है, मुझे कैमरा भी सेट नहीं करना आ रहा है, तो कोई बात नहीं आप लोगों की सपोर्ट से सारा कुछ हो जाएगा। ये देखें हम पंद्रह ना वो तर 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 कर रहा है। अभी मैं लाती हूँ ऑयल, ऑयल में लाई हूँ गाँव से खुद अपना निकलवा के, ठीक है। तो आप लोग भी ले सकते हैं ऐसे, अगर किसी को फैसिलिटी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप खुद से वो जो है ना सरसों का बीज वो जब जाते हैं ना चक्की झाड़ता पीसते हैं उनके पास अवेलेबल होता है, वो आपको कह देते हैं निकला हुआ लेना है या आपने बाद, वैसे आप अपने सामने बीज सेलेक्ट करें अपना, वो 10 मिनट भी नहीं निकलते हैं, वो आपको प्रेस करके निकाल देते हैं। तो वो घर ले आए एक दिन उसको रखें ज़रा ताकि जो उसमें मिट्टी या कुछ और जो उसमें बाकी आता है वो नीचे बैठ जाए। उसके बाद ऐसे एक देगची को या मतलब जो भी आपके पास बर्तन है आप उसको अच्छे से प्री हीट कर लें थोड़ा सा, फिर आपने उसके अंदर कुछ चीज़ें जाती हैं, इसके अंदर मैं डालती हूँ, मेरे पास 2.5 लीटर की बोतल है, मैं इसमें एक छोटा प्याज डालूँगी और 3-4 लौंग डालूँगी और मैं इसमें थोड़ा सा वो डालूँगी प्याज, 2-3 लहसुन डालूँगी जबे, तो वो जब अच्छे से वो जब ब्राउन हो जाएंगे तो वो तेल भी कट जाएगा, तो बस उसको कूल ड्राई करके उसको बोटल्स में भर के रख लूँगी और पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े फ्राई करूँगी, समोसे बनाऊँगी। मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी अपनी व्लॉगिंग में आपके मैं कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। अभी मैं लाती हूँ ऑयल और फिर उसको करते हैं गर्म। ये है जी मेरी ऑयल की बोटल, ये तकरीबन 2.5 लीटर है, ये उधर से निकलवा के लाए हैं, ठीक है। तो ये ना कहिएगा ये मैंने पिया नहीं है, ये उन्होंने डाल के दी चक्की वालों ने, मेरे पास थी नहीं बोतल अवेलेबल, मैं तो वैसे गुजर रही थी तो फिर याद आया कि भी लेना है हमने ऑयल, तो मैंने कहा बचाए कि सिटी में लेने से, हम गांव आए हैं तो यहाँ से ले लेते हैं। तो मैं इसको पकाती हूँ, ठीक है, आप देखिएगा अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरा सेट कर लूँ पहले, सॉरी। ये गर्म हो रहा है ना, अब इसके अंदर डालेंगे लौंग, वैसे 3 लौंग ऐसे ना पैकेट से निकाल के ऐसे रफली जितनी भी आप चलो थोड़ी आप इतना काउंटिंग मतलब समटाइम जितनी प्रिसाइज काउंटिंग करते हैं मुझे तो वो भी समझ नहीं आती यार, तो प्रिसाइज काउंटिंग भी कैसे कर सकता है, आई डोंट नो। अभी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहीम, अल्लाह ताला बरकत दे रमज़ान की, बहुत मुझे खुशी है। बस आज इस दफ़ा मेरी जो प्रिपरेशन है ना रमज़ान की वो लेट हुई है क्योंकि मैं बस तबीयत ख़राब थी और थोड़ा आना जाना लगा हुआ था फैमिलीज में, शादियाँ थी एंड पे 2 दिन, तो बस वो नहीं मैं वरना इस तरह के काम ना बहुत पहले करके रख लेती थी। बस अल्लाह हफाजत में रखे सबको और अल्लाह तबारक तआला से ज़िंदगी अता फरमाए। तो ये मैं इसमें डालती जा रही हूँ, अल्लाह करे अब से इसे इसे डल जाए मुझसे। इसमें ना एंड पे ना थोड़ा सा है वो बैठा हुआ नीचे, वो नहीं डालना है, कोशिश करूँगी वो ना ही आए।
मट्टी सी है नीचे अंदर की थोड़ी सी। तेल बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आपको, सरसों का तेल, मतलब इस तेल की जो है ना वो खुशबू अलग है और इसकी चाहत ही अलग है। अब हमारे बड़े भी तो खाते रहे, बस हम लोग ज़रा ज़्यादा मॉडर्न हो गए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें जो ब्लैक ब्लैक है ना नीचे, ये फसल बड़ी बारीक सी फसल होती है सरसों की, तो इसमें बेचारे चक्की वालों का भी कसूर नहीं है, इसमें किसी का भी कसूर नहीं होता है, ये बस अल्लाह ताला की तरफ से। इनके ऊपर मट्टी बारीक इतने दाने होते हैं, इनको साफ़ करना। ये देखो ना, अभी इतना सरसों का तेल बच गया, ये मैं इसको अपने वैसे नॉर्मल यूज़ में रख लूँगी। तो ये वैसे इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है, तो अब थोड़ा सा जब ये बॉइलिंग पे आएगा, थोड़ा सा अभी तो ये बस नॉर्मल पड़ा है, इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे बॉयल होने में, तो फिर मैं इसमें एक प्याज काट के डाल दूंगी। और वो जब ब्राउन हो जाएगा और तेल का कलर भी थोड़ा लाइट हो जाता है, इसमें एक पेड़ा आटे का भी डालते हैं, वो इसका जो एक्स्ट्रा कलर होता है येलो कलर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर ना उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मेरे पास ना एक डिब्बा है, उसमें मेरे पास जैतून का तेल है, मैं उसके अंदर इसको मिक्स कर लूँगी, ठीक है, थोड़ा सा, मतलब ताकि वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यूज़ हो जाए। वो पड़ा था पहले से रमज़ान के लिए, मैंने लेके रखा हुआ था, वो भी आपको प्रोसेस दिखाऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं लगा लूँ रूम में वाइप लगा लूँ और सारा क्लीन कर लूँ। वाशरूम मांजने, वो तो आप मेरे साथ देखेंगे सही, वाशरूम मांजना जो है ना वो इन घरों में तो भी है। वो आप लोग सोच रहे होंगे मेरा घर किस तरह का है, तो मैं अभी ना ये बात भी ओपन नहीं कर रही, अभी आपको बताऊंगी अगले व्लॉग्स में कि ये जो मेरा घर है ये कहाँ पे है और ये घर किसने हमें दिया हुआ है और ये घर किस तरह का है और ये क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। होप सो यू पीपल लाइक। इस टाइप का कुछ वाशरूम है, वैसे साफ़ ही आपको लग रहा होगा गंदा, लेकिन ये साफ़ है भाई, ये साफ़ है, प्लीज़ मान जो ये साफ़। इसमें भी पोछा, इसमें भी पोछा फिनाइल डाल के साफ़ कर लेती हूँ उसको, फिर मैं बाहर लगाऊंगी पोछा। चले जी, अब आ गए हैं पोछे वाले। इसमें मैंने मिलाया सरफ और थोड़ा सा क्या कहते हैं फिनाइल, ठीक है। अब मैं लगूँगी पोछा। पोछा इज़ माई बेस्ट वर्क, मुझे पोछा लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। आई डोंट नो आप लोगों को है कि नहीं। माजरत माजरत माजरत, इसको फिक्स किया हुआ, अब इसको ऐसे ऐसे फैला दूँगी हर जगह थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। पोछा ड्राई ड्राई मूवेबल पोछा, बहुत अच्छे वाला। पंखा भी चला दिया जाए, कूलर पे मेरा चल पड़ेगा। सारे कामों को वही माया समझ सकती है जिनके बच्चे ना मतलब स्कूल गया तो उनको पीछे से जल्दी होती है हर सारे काम करने की। मुझे बहुत जल्दी होती है कि मेरे सारे काम हो जाए जल्दी जल्दी से। साफ़ ठीक है, कुछ ऐसे हो गया साफ। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा मेरा फ्रेश चमचमाता हुआ फ्रेश, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, ये मेरे बच्चों के कुछ गधे घोड़े खिलौने हैं। अभी आज मैंने वैसे इनके एक टॉयस मंगवाए हैं और किसी ने गिफ्ट भेजा हमें, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये मेरी एलसीडी बेचारी, और टाइम हो रहा है गाइस 12:15, 1 बजे बच्चों को लेने जाना है स्कूल से मैंने, तब तक ये ड्राई हो जाए। पंखा फुल आबोताब के साथ चल रहा है और कर्टन जो है मेरे, ये अलमारियाँ मैंने नहीं बनवाई हैं, कर्टन इसके पीछे छुप गए हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे। हाँ ये बस हो गई, थक गई आज मैं। ये जो ख़वातीन काम करती हैं ये वही समझ सकती हैं कि भाई हम कैसे भागम भाग काम करते हैं। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मेरे सरसों का तेल जब वो भी जब हो जाएगा ना, मतलब कि ठंडा
और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे यूज़ करती हूँ। कल इंशाल्लाह ताला इफ्तारी बनाएंगे मिलके, और आप सबकी सपोर्ट की मैं मुंतज़र होंगी। होप सो यू गाइस लाइक माई वीडियोज़ माई व्लॉग्स। और वो पड़ा मेरे बेटों का वाइट बोर्ड। अल्लाह हाफिज़।